अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान डेली जॉब्स अपडेट। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में बेशुमार असामियाँ खाली हैं। NTS की तरफ से ये असामियाँ खाली हैं। NTS की जानिब से इनका टेस्ट लिया जाएगा। NTDC करियर अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपके साथ जॉब की डिटेल शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं जो एक जॉब है, क्योंकि इनके तीन जो है ना ऐड हैं, इनके तीन एडवर्टाइजमेंट हैं। सबसे पहले मैं एक एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप पहला आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप इसको गौर से सुन लें और देख लें। इसके बाद इस पोस्ट का ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको बताऊँगा। और पाकिस्तान डेली जॉब्स अपडेट को सब्सक्राइब। जूनियर इंजीनियर, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन BA BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक विद फर्स्ट डिवीजन का सर रिक्वायर्ड है। और इसके बाद आपकी जो सामी एज लिमिट है वो 33 साल होनी चाहिए। ओपन मेरिट की दो हैं, पंजाब की 20 है, पंजाब वुमेन की 6 हैं, पंजाब मिनट की 2 हैं, सिंध रूरल की 9 है, सिंध अर्बन की 6 हैं, ओपन मेरिट की सिंध अर्बन की 1 है, वुमेन की 1 है, KPK की 5 है, KPK की मिनोरिटी की 1 है, बलूचिस्तान की 4 हैं। इसके बाद ही जूनियर इंजीनियर सिविल की है, BPS 17, BA BSc इंजीनियरिंग सिविल विद फर्स्ट डिवीजन 2.5 और अबव CGPA फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वैलिड PEC रजिस्ट्रेशन। पंजाब की एक ही सीट है, ठीक है। आगे जी, असिस्टेंट मैनेजर की, ह्यूमन रिसोर्सेज की है, BPS 17, मास्टर इन HRM, BBA ऑलरेडी, HM इन MBA है। और ये आपकी जो एजुकेशन है, मास्टर इन HRM, और जो उनको प्रेफर किया जाएगा ना वो HRM को किया गया, MPA को, MA इकोनॉमिक्स को, विद डिप्लोमा जो है ना HRM का, और LLB विद डिप्लोमा, इनको जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एक ही सीट है मजदूर कोटे की और दूसरी है आज़ाद कश्मीर की, एक ही सीट है, दो सीटें इनकी टोटल। एज लिमिट 33 साल। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कॉरपोरेटरी अकाउंटेंट्स BPS 17, डिसेबल की एक ही सीट है, और ये आपकी तालीम रिक्वायर्ड है, CA इंटर, CMA इंटर। इसके बाद ये आपकी क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, टोटल इसका ऑनलाइन अप्लाई है NTS की वेबसाइट पर, www.nts.org.pk। इसके बाद जी आपकी जो चलान फीस है वो 550 रुपये का इसका चलान फीस है, ठीक है जी। और इनकी जो 3 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन, वो है गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर और एक्स फाटा वाले को जो 3 साल की एज में राय दी गई है। यह है जी आपकी टोटल एप्लीकेशन, और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है मंडे अक्टूबर 17, 2022। और यह थी आपकी पहली एडवर्टाइजमेंट, और इसके साथ ही इसका मैं आपको ऑनलाइन तरीकाकार बता देता हूं, ताकि आपको ऑनलाइन तरीकाकार और ऑनलाइन तरीकाकार मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले आपने आ जाना है ओपन एप्लीकेशन पर, NTDC का ऑनलाइन अप्लाई एडवर्टाइज नंबर 1 जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके साथ ही मैं इसका अप्लाई ऑनलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ये आ गया जी, और सबसे पहली जो एडवर्टाइजमेंट है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी LTD करियर अपॉर्चुनिटी, इनकी जो ये डिटेल है इस पर क्लिक कर दें आप। एडवर्टाइजमेंट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी ये, ठीक है, आप गौर से देख लें, ये एक ही एडवर्टाइजमेंट है। पोस्ट का नेम है जी जूनियर इंजीनियर, एक सीट, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज और असिस्टेंट मैनेजर कॉरपोरेटरी अकाउंटेंट, ठीक है। ये सीटें थी आपकी, इस पर ऑनलाइन तरीकाकार। सबसे पहले आपने करना क्या जी, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने करना क्या है जी, कैंडिडेट पोर्टल आपके सामने ओपन हो गया है, आपने यहाँ पर अपना नेम, लास्ट नेम, आपकी नेशनैलिटी पुर करनी है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड लिखना है और कंफर्म पासवर्ड लिख देना है, और उसके बाद आपने साइनअप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सारा कुछ फिल करें पहले, फिल करने के बाद आप साइनअप कर दें, साइनअप करने के बाद आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा और आपने बाद में साइन इन कर देना है। साइन इन पर जाकर आपने सब कुछ अपना अकाउंट और डेटा तमाम फिल करना है, ये मैं तमाम आपको डेटा फिल करके बताता हूँ। सबसे पहले अपना नाम लिखें, लास्ट अपना नाम लिखें, लास्ट नेम लिखें, अपनी नेशनलिटी लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, अपना जो आईडी कार्ड नंबर है इधर वो लिखें, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल लिखने के बाद तमाम डेटा पुट करें,
वो उसके बाद इस पोर्टल पे आ गए, आप अपना नाम लिखे, मैंने तो अपना नाम लिखा है कुछ भी ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा है, फोन नंबर लिखा है, और उसके बाद ये कह रहे हैं आपके जो ईमेल पे है ना वो मैसेज आ जाएगा, और वो जो कोड का मैसेज आएगा वो अपने वेरिफिकेशन कोड में लिख देना है। और उसके बाद आपको इस तरह से और उसके बाद आपको इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा एनटीएस की तरफ से, एनटीएस वेरिफिकेशन कोड आपने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके और आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, यहाँ पे नीचे इधर आके पेस्ट कर दें, ये ले पेस्ट कर दें, अपना जो ईमेल एड्रेस है वो लिख दें, और उसके बाद अपना जो पासवर्ड आपने रिसेंट ईमेल है सेंट, अब जो ईमेल वेरीफाई आपका किया जाएगा वहाँ पर कोड आपका जाएगा। अब हम ये लें जी, आपको कुछ इस तरह से मैसेज ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड मशूल हो जाएगा, आपने इसको भी यहाँ से इसको ऐसे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद वहाँ जाकर आपने पेस्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने ईमेल अपना था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया था, पासवर्ड जो आया था, इसके बाद हमने अब जो अपना ईमेल वेरीफाइड हो गया हमारा, इसके बाद हमने अपना पासवर्ड लिखना है यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो लिखूँगा अपना जो जॉब है पाकिस्तान डेली जॉब्स अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ एक एक चीज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। ये ले साइन अप हो गया, उसके बाद जो आपका तमाम तर प्रोसीजर है वो ओपन हो जाएगा, आप इसको सेव पे क्लिक कर दें, ये लें जी अपनी लिखिए अप्लाइड एप्लीकेशन रिजेक्टेड एप्लीकेशन फी अनपेड फी पेड, आपकी जो तमाम तर इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे शो होगी ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये लें जी जो आपकी तमाम मालूमात है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी ठीक है, और यहाँ पे आपने आ जाना है डैशबोर्ड पे, प्रोफाइल व्यू पर लिखना है अपना जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, और जितने आपकी एजुकेशन है, जॉब एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपने अगले अपडेट प्रोफाइल पर, अगर आपने फ़र्ज़ करें अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है, प्रोफाइल पिक्चर, फ्रंट पिक्चर ऑफ सीएनएससी, अपना नाम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, पोस्टल एड्रेस लिखें, और अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना जेंडर, ब्लड ग्रुप, तमाम तर डिटेल आप पूर्ण करें, ये तमाम तर अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल यस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें, और अपनी जो एजुकेशन वो आपने पुट कर दी, ये आपकी तमाम जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी ठीक है, और यहाँ पे वो एप्लीकेशन शो हो जाएंगे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पोस्ट नेम आ जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, पेमेंट स्टेटस आ जाएगा, और एक्शन आ जाएगा ठीक है जी। ये थी जी ऑनलाइन अप्लाई की मुकम्मल तरीकाकार जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो लिहाजा मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, तो सब्सक्राइब माई चैनल, अस्सलाम वालेकुम।